तो अभी मम्मी तैयार हो गई है, मम्मी जा रही है लेडीज संगीत में मामी के घर। टाइमिंग पूछ लो कब। टाइमिंग पूछ लो। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। शर्मा जी सिर्फ मुझे छोड़ने जा रहे हैं, मैं लेडीज संगीत में जा रही हूँ, तो ये मुझे बाहर ही छोड़ाएंगे और ये अपने काम से चले जाएंगे क्योंकि इन्हें बहुत काम से जाना है अपने से। तो मैं ही आपको हेलो हाय कर देती हूँ, कैसे हैं आप सब, और उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक से होंगे। और शर्मा जी से इसलिए नहीं मिलवा रही हूँ, ड्राइविंग कर रहे हैं, थोड़ा सा उनका फोकस बना हुआ है ड्राइविंग में। लिंक कर सकते हैं वो राहत दिला दो कोई सोचेगा तुम गुस्सा हो चलो ठीक है, तो मिलती हूँ लेडी संगीत में, हो सका तो शूट करूंगी नहीं तो नहीं करूंगी, थोड़ा सा कोशिश करूंगी क्योंकि कई जगह ऐसा होता है हर जगह हम शूट भी नहीं कर सकते। ठीक है तो ठीक है, मिलते हैं। Thank you.
मैं वापस लौट रही हूँ और यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। इसके साथ ही मैं अभी किसी की तबीयत खराब है तो उनको देखने जा रही हूँ। हेलो मामी चैनल। बथुए को देखकर कंफ्यूज ना होएं, ये तो हमारी हर दिन आता है सर्दियों के लिए, लेकिन आज की पेशकश है ये खास। देख के पहचान गए नहीं होंगे, क्योंकि ये कोई भी देख के नहीं पहचान सकता। किसी को भी देख कोई देखेगा तो उबला आलू समझेगा, लेकिन ये उबला आलू नहीं है, ये आंवला है। ये आंवला है और आंवला के तो जितने गुड़ बताए जाए उतने कम हैं। स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी मिलता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है, बालों की ग्रोथ अच्छी करता है, बाल काले करता है और भी बहुत सारे गुण होते हैं। जब आंवले का सीजन चल रहा हो तो ये हर दिन अपनी डाइट में शामिल करें आंवला। आपको किसी भी फॉर्म में इसको खाएं, चाहे अचार बनाकर खाएं, चाहे सब्जी के साथ छोंक दें। लेकिन जिस तरह से मैं बता रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये बाद में वीडियो सूट हुई है। मैं बताती हूँ, एक्चुअली हुआ ये था कि मम्मी अचार वगैरह बना रही थी। मैंने बोला कि मम्मी ये तो सबको बताना चाहिए, इतना टेस्टी आप अचार बनाते हो। तो मम्मी एक मूली का अचार और मिर्च का अचार डाल चुकी है। हाथ हटाओ, ये धीरे धीरे कलर पकड़ेगा, गल जाएगा तो खट्टी हो जाएगी। अभी ये ताजी है। सबसे पहले धुल के आंवले को मैं उबाल चुकी हूँ और एक उबाल आया अच्छे से, और उसके बाद मैंने गैस बंद कर दी है। बंद करने के बाद, ठंडे होने के बाद में मैंने ये कलियां इनकी खोल ली। अपने आप इनकी कलियां खुल जाती है, ठीक है। और बहुत सिंपल वे में हम अचार बनाएंगे, कोई इसमें सर दर्दी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना अचार बनाना। ये जैसे सरसों है और ये सौंफ है, तो मैं क्या करती हूँ कि इसको बना के रख लेती हूँ पूरे टाइम। ये मेरे यहाँ आपको हरदम मिलेगा, मतलब ये मिला के एक मसाला जो अचार का होता है वो। तो जैसे मैंने सेम कटोरे लिए हैं, इससे आपको अंदाजा बैठ जाएगा कि थोड़ी सौंफ ज्यादा है और राई थोड़ी सी कम है। ये सरसों है मोटी वाली, ठीक है। तो ये मैंने इसमें डाल ली, ये इसमें डाल ली, साफ कर रखी थी मैंने, और ये हमारी सौंफ है, ठीक है। तो अभी मैं पीस के ये हमारे आंवले हैं। और थोड़ा किचन मैसी हो रही है क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा है ना इसमें गरम मसाला डाल दूंगी, हल्का सा, मामूली सा, बहुत ज्यादा नहीं। और ये वो मसाला है जो मैंने अभी बनाया है, ये, ठीक है। तो मसाला थोड़ा दरदरा ही रखा है मैंने, ज्यादा बारीक नहीं किया, तो बहुत अच्छा लगता है। मसाला थोड़ा अच्छा डालूंगी इस हिसाब से, वैसे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये हल्दी, ये लाल मिर्च, तीखी नहीं है इसलिए मैं डाल दी, ये नमक, सैंधा नमक इसलिए, और ये मैं थोड़ी सी हींग डालूंगी। और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, नमक हो गया, सौंफ हो गई, राई हो गई, लाल मिर्च हो गई, हल्दी हो गई। सूखा धनिया नहीं डालता? नहीं, सूखा धनिया नहीं। तो अच्छा क्या है कि कुछ लोग हैं ना तेल पका के डाल लेते हैं, अगर तेल की खुश कच्चे तेल की खुशबू ना अच्छी लगे तो। लेकिन मैं जो है कच्चा डालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चा तेल। और ये उबले हुए हैं तो आप कभी भी इनको खा सकते हैं, मतलब पहले दिन से ही आप खा सकते हैं इसको। और ये गल जाते हैं तो वो और डिस लगता है, ऐसे भी खा लेती हूँ मैं। नहीं अभी तो गले हुए हैं ना, क्योंकि उबाल के बनाया ना मैंने। तो और ये सौंफ और जो राई है ना, आप किसी भी अचार में आप यूज कर सकते हैं। ये देखो, ये है टेस्टी भी हेल्दी भी। ये मैं डब्बे में रख देती हूँ।
और ये मूली और मिर्ची का है, और ये अचार मैं इसलिए इन्हें सामने रख दूंगी क्योंकि एक तो खाने की भी याद रहेगी, अंदर रख देते तो याद भी नहीं रहता कुछ खाने का।